सो हाय गाइस, अभी हो रहा है शाम का वक्त और मैं व्लॉग एडिट करके इसलिए मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे व्यूज़ बिल्कुल एकदम समझो ख़त्म ही हो गए हैं पूरा। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, दैट्स व्हाई मैंने व्लॉग एडिट करके नहीं डाला। फर्स्ट रीज़न ये, एंड उससे भी पहला रीज़न मतलब जो मेन रीज़न है वो है धनवी। धनवी की तबीयत बहुत ख़राब थी, रात भर बहुत ज़्यादा लूज मोशन वगैरह उसको हो रहा था। पूरा रात भर हम लोग लेके उसको लिटरली ऐसे बैठे रहे हैं और बहुत बच्चा का मेरा मन ख़राब था। और ना वो थोड़ा बहुत ना दूध पीती है फॉर्मूला मिल्क, तो उसको ना दूध ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और मांगती भी वही है थोड़ा बहुत, अगर उसको भूख जागता भी है तो हम लोग उसको दिए कि चलो दे के देखते हैं, लेकिन ना जैसे ही दूध पी रही है उसको और हो रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं खा रही है। और बड़ा आदमी नहीं है ना कि उसको ये दे दो वो दे दो, तो थोड़ा सा पेट बांधे उसका, छोटा बच्चा है उसके साथ ज़्यादा वो भी नहीं हो सकते, तो समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि क्या उसको खिलाएं क्या पिलाएं। बच्चा बहुत ना भूख से भी रो रही है, समझ नहीं आ रहा था, मन बहुत ख़राब था उसको लेके। उसको दवाई भी हम लोग ना लेके आए थे, तो मेरे उसका जो डॉक्टर है वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, मतलब हूँ मैं भी कंकड़बाग में, लेकिन यहाँ से बोरिंग रोड जहाँ पे डॉक्टर है वो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो आना जाना और जाके भी मैंने एक बार बोला था कि इसको लूज मोशन वगैरह होता है, तो उसने बोला होता है तो होने, तो हम दवाई नहीं देंगे मतलब ऐसे एकदम। तो हम औषधि गए, औषधि जाके हम नहीं गए, धनवी के पापा गए औषधि के, औषधि से जाके दवाई वगैरह लाए, तो वो तीन टाइप का दवाई दिया है। तो रात कल आते मतलब जिस टाइम लेके वो आए थे शाम में उस टाइम पे ही मैंने पिला दिया, उसके बाद फिर रात में मैंने दिया, फिर सुबह दिया, फिर अभी दियूँ, मतलब चार चार बार दवाई उसको पड़ चुका है। उसके बाद भी उसको इतना लूज मोशन हो रहा है, तो बच्चा को देख के बड़ा वो लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लूँ क्योंकि आज नॉन वेज तो खाना नहीं है और कल शिवरात्रि है तो आज से ही नॉन वेज नहीं खाना है, वरना मैं आज फ्राइडे था तो कुछ अंडा वगैरह ही खाती। हाँ तो आज फ्राइडे है तो मैं कुछ एग वगैरह, किसमें क्या रखी है, टूट गया मम्मी ये। हाँ अब बड़ा वाला यूज करती हो। आप पता नहीं इसमें पिसेगा अच्छे से कि नहीं, बट आई विल ट्राई। सो मैं ना कुछ अतरंगी करते रहती हूँ रेसिपीज में, मिक्स मैच। तो मैंने कुछ अतरंगी सोचा है और वो अतरंगी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने पोस्ता दाना लिया है, और जो लोग कुकिंग करते होंगे उनको पता होगा कि पोस्ता दाना किसी भी सब्जी को कितना ज्यादा फ्लेवर वाला कर। तो ये शिवरात्रि का है और उस दिन मंदिर में देखो भीड़ कितना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, बट मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है शिवरात्रि और मैंने पहनी है साड़ी, को दिखा दूँ, और ब्लाउज इसका मुझे फिट नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरा ब्लाउज मिक्स मैच करके पहना है। और ये ना प्योर की साड़ी है, ठीक है, तो ना इसको पॉलिश बार जब पहनो तब पॉलिश कराओ, जब पहनो तब पॉलिश करवाओ, वरना ये साड़ी ना चढ़ जाती है। तो मुझे ये साड़ी चढ़ गई है नीचे से थोड़ी सी, बट इतनी हल्की साड़ी है ना कि मुझे लगा कि चलो इस आफत पर लेके जाना था मुझे मंदिर, पूजा नहीं करना था ड्यू टू सम रीज़न, बट ऐसे ही कम से कम प्रणाम तो कर ले, बहुत भीड़ भी था तो प्रणाम तो कर ले कम से कम, और सोचे थोड़ा सा वीडियो भी निकाल लेंगे, लेकिन इस लड़की को लेके पॉसिबल नहीं हुआ। मेरा पूरा हाथ ऐसे ना दर्द होना शुरू हो गया उसको ले लिए, क्योंकि ना ये स्ट्रेट नहीं रहती है, अब ठीक है गोद ले सकते हैं पर स्ट्रेट नहीं, ऐसे तक झुक जाती है तो और ना प्रेशर और पड़ता है।
बस आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये लड़की इतना परेशान। सोना बाहर में शिवरात्रि को लेकर बहुत 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 भीड़ है, बहुत ज्यादा ही। आओ खड़ा खड़ा धनवी, राम राम करिए, जय जय करिए। बहुत बदमाश है, बहुत ज्यादा। और मुझे सबसे बड़ा काम करना है, सारा ट्रॉली अनपैक करना है और कुछ कपड़े पैक भी करने हैं कि मैं पैक्ड रहे तो मैं वैसे उठाऊंगा बढ़िया निकल जाऊं। अभी तक तो उतना श्योर नहीं हूँ जाऊंगी कि नहीं। हट जा का बाबू। धनवी प्यारी हो तो लूज मोशन हो रहा है लड़की को बार 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 बार। और चादर सब कुछ निकाल दिया मैंने। क्या धनवी और मैंने शिवरात्रि का फास्ट नहीं रखा जैसे मैंने बताया था। क्या और ये क्लिप संडे का है। नानी आई थी मेरे से मिलने के लिए और जब बाबू को देखो नानी को कैसे एक टक से देखे जा रही है। और मेरी नानी बहुत सुंदर है, अभी भी बहुत अच्छी है। और लिटरली हमको नानी से अपने बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे जाना था इनके साथ, इनके फ्रेंड्स के साथ, बट नानी आ गई तो मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि नानी बहुत टाइम बाद आई थी तो मुझे जाना सही नहीं लगा। कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे नानी के साथ रहना चाहिए, नानी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और नानी 2-3 घंटा ही रही, 3 घंटा मैक्स रही होगी और चली गई। आजकल नानी रुकती भी नहीं है। सो बस आप लोग बताना मेरी नानी कैसे लगे आप लोग को। पूरा पानी का फुला हुआ वो बेच रहा है, भीड़ है क्या? नहीं नहीं ज्यादा भीड़। सो मेरा वर्कआउट हो गया डन, मैंने इधर गाना बजा के और वर्कआउट किया। बहुत ज्यादा नहीं किया, 45 मिनट्स ही किया मैंने आज, और इससे ज्यादा नहीं हो रहा था आज मुझसे। मेरा पसीना देखो भाई साहब, बहुत हालत खराब हो जाती है। जिम में क्या है ना कि आपको एक वो है कि प्रोसेस बाय प्रोसेस, इधर जाना है फिर उधर जाना है। जुम्बा में क्या है ना पूरा कंटिन्यूटी, मतलब अगर 35 मिनट्स का या 30 मिनट्स का जुम्बा है तो आपको नॉन स्टॉप 30 मिनट्स पूरे एक्टिविटी में रहना है। मतलब बीच में अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा 2-3 मिनट्स का ब्रेक लेके पानी वानी पी सकते हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। और मेरी तो हालत हो गई ख़राब, बाप रे बाप। मेरे ना गर्मी आ गया ना तो गर्मी बहुत लग रही है। धनवी से हेलो सबको, राम राम करोगे? बच्चा मेरा बहुत समझदार है। धनवी क्या खाया बोलो? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं खाते हैं, पागल लड़की है। सो मेरे पसीने देखो भाई सब, जो मुझे गर्मी लग रहा है ना, पर मैं फैन नहीं ऑन करूंगी, जितना पसीना निकलता है उतना अच्छा है। और आज फॉर अ चेंज मैंने वो किया था, प्लैंक किया था, प्लैंक ही बोलते हैं आई थिंक। तो मैंने वो पहले तो समझो 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा, 5-6 सेकेंड ज़्यादा किया होगा, फिर दूसरी बार मैं 30 सेकेंड का किया और तीसरी बार मैंने 20 सेकेंड में गिर गई, तो बहुत कम था। बट फॉर अ चेंज मैंने किया। और पहले जब मैं करती थी तो पहले ही बार में मैंने 30 सेकेंड 25 सेकेंड उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता था ड्यू टू माई टमी मेरे बीच में आता था और टमी का वेट बहुत ज़्यादा, वो मेरे को ना दर्द होने लगता था, दैट्स वाई। हाँ बट अभी
ठीक है। और हाँ, और मैंने वो भी किया, क्या बोलते हैं, स्क्वाट्स भी किया। स्क्वाट्स मैंने 15 किया, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं हुआ। और मैं ज़बरदस्ती मसल्स को नहीं देना चाहती भार, फिर मेरे को दर्द होगा, फिर कहीं मैं कल स्किप ना कर दूँ। दैट्स व्हाई मैं कंटिन्यू रहूँ, बट थोड़ा धीरे धीरे कोई, बट कंटिन्यू। हाँ, बट मैंने जुम्बा कंटिन्यूस 45 मिनट तुम करते गई, बीच में थोड़ा 30 मिनट्स बाद आई गेस मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा से हो गया था। बट फिर मैं क्या की ना, उतना फास्ट तो नहीं कर रही थी, बट बस हाथ पैर का मूवमेंट कंटिन्यू था। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा लगा कि नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने 45 मिनट्स उसको पहुँचाया। बट अगर आप YouTube पे देखोगे ना, तो बिगिनर्स के लिए वो 30 मिनट्स ही का वो जुम्बा करवाते हैं। उसके बाद फिर बहुत मैंने देखा, एक दो तो वीडियो मैंने देखा जिसमें मतलब सवा सवा घंटे का वो था। मतलब लिटरली हम तो नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, बाद का बाद में बताएंगे, अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते, उतना पॉसिबल नहीं है मेरे से। बाकी देखती हूँ, मुझे नहीं दर्द पर पेन हो रहा था तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह भी मैंने किया। और हाँ, उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, मुझे एक्सरसाइज के नाम ही नहीं पता, आधा ज़्यादा तो पता ही नहीं होता, बस देख देख के मैं कर डालती हूँ। और मैंने जिम में देखा था, मैंने ना ये और इनके फ्रेंड आते थे जिम, तो मैंने उनको एक एक्सरसाइज करते देखा था। तो मैंने पूछा था इनसे कि वो किस लिए होता है, तो बोले एक तो वार्म अप होता है वो, दूसरा पेट के लिए होता है, मतलब एब्स के लिए होता है। तो हम बोले चलो ठीक है, तो हम भी ट्राई करते हैं। तो हम ना ऐसे लेट के, वो उठना नहीं होता है, और आपको क्या बोलता है, पैर एकदम स्ट्रेट रखना, फिर सो जाना, फिर ऐसे करके ताली मारना, पता नहीं क्या गया था उसको यार, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। तो मेरा पैर उठ जा रहा था, तो हम क्या किए ना, तकिया रख लिए 2-3 पैर पे, और पैर एकदम ऐसे जाम हो गया। तो वो मैंने किया 10 सेट, मैंने वो किया 10 का 1 सेट किया, 10 सेट नहीं किया, 10 का 1 सेट किया। है ना धनवी, और धनवी मुझे बहुत परेशान कर लेती, आज मम्मा मुझे भी करना है। और मैंने फिर ना वेट लिफ्ट किया इसको लेके, तो गोद में ऐसे ले लिया और ऐसे 1 2 3 4 किया ना मम्मा ने। इसको चाहिए कि मम्मा अगर 1 घंटा करे तो 1 घंटा इसको लेके ही करे, पागल लड़की, पॉसिबल है बेटा, अब छोटो बेबी नहीं हो ना, तो बिग बेबी हो। मैं बताओ चाचा कौन बेटा, कौन चाचा, प्यारू चाचा, टोनी चाचा, इग्नोर करना इसका खुलिया, अभी तैयार व्यार नहीं हुई है, पूरा दाल लगाई है मुंह पे, खाई नहीं है, लगा जरूर लिया पूरा। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स होंगी, पानी वानी पीऊँगी, गर्म पानी पीऊँगी। हाँ, अगर आप वर्कआउट करते हो ना, तो उसके बाद कुछ अच्छा खाओ, ताकि आपके पेट में जाए, तो क्योंकि आपका पूरा एक्सरसाइज करके रखते हैं, भी नो बैड मैनर्स नो, तो आप कुछ अच्छा खाओ। तो अभी तो बहुत सारा फ्रूट्स का सीजन है ही, हाँ, हम सेब नहीं खाते, हमको सेब अच्छा नहीं लगता, जमता नहीं, ऐसा नहीं है हमको अच्छा नहीं लगता, पर अभी वाटरमेलन का टाइम है। और ना मैं सेकेंड टाइम शायद लाई थी, तो मैं बहुत अच्छा लेके आई हूँ, ताजा, बहुत अच्छा। तो मैं पहले गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं दाल भी खाऊँगी, और फिर बाबू को भी खिलाऊँगी, थोड़ा सा खाएगी तो नहीं, बट कोशिश करती हूँ। और मैंने इसको केले खिला दिए थे कल, ताकि इसका पेट बांध दे, देखो रबर बैंड खोल के, और देखो बाल का क्या हाल, धनवी तू कैसा कर लिया बाल बेटा, देख लो जरा इसको, आतंक बच्चा एकदम। तो देखती हूँ बाद में। उसके बाद मैं हॉस्पिटल आ गई थी दिखाने को, और बहुत देर हमें वेट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा देर, और हम ऐसे बैठे एकदम बोर हो रहे थे, और भीड़ भी आज काफ़ी ज़्यादा थी। सो बट मैंने दिखा लिया।